कजान में 1929 में सैमसनोव और राशिद के बीच में ये गेम खेला गया था, सैमसनोव वाइट पीसेस के साथ तो राशिद ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे e4, e5 राशिद की तरफ से आया। दोनों ही खिलाड़ी अपने पीसेस को डेवलप करने में लग गए। राशिद ने b4 चला, आप अगला मूव गेस करने की कोशिश कीजिए कि राशिद ने क्या चला होगा। राशिद ने क्वीन पर अटैक बनाया। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट मूव राशिद का क्या होने वाला है वो सोचिए। क्या राशिद अपने रुक को बचाएंगे? नहीं, उन्होंने नाइट लिया। तो सैमसनोव ने यह रुक लेना सही समझा, एक पॉन ग्रैब किया राशिद ने। किसी कारणवश पता नहीं क्यों सैमसनोव ने यह बिशप नहीं लिया जो कि उन्हें ले लेना चाहिए था। तो राशिद ने भी कोई लालच ना दिखाते हुए इस रुक को नहीं लिया और ये चेक राशिद ने सैमसनोव को दे दिया। और ये खतरनाक चेक है जो कि कुछ देर में बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है सैमसनोव को। दोबारा चेक और ये किंग, बच के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ सैमसनोव। राशिद ने एक और बार चेक दिया और ये वाइट अपने किंग को इधर उधर बचाने में लगा है। पर कब तक? राशिद ने फाइनली ये मूव चल ही दिया। क्या आपको राशिद का अगला मूव नज़र आ रहा है? आप अपना समय ले लीजिए और उस मूव को खोजने की कोशिश कीजिएगा। होपफुली आपको ये Nf2 दिख गया होगा। और ये फाइनल मूव था राशिद का, जिसके बाद सैमसनोव ने रिज़ाइन कर दिया।